अगर आपको एक्सेल सीखना है पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से, तो मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ, ये एक्सेल का बैकबोन है। ये एक्सेल का एक ऐसा टॉपिक है जो सीरियसली अगर आपको नहीं आया ना, अगर आप इसको नहीं सीखा तो आप एक्सेल सीखना भूल जाओ। बिकॉज एक्सेल का ये बहुत मेजर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेल पूरा इसी पे बेस्ड ही है। और अगर आपने इस टॉपिक को सीख लिया, इस टॉपिक को आपने समझ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये कि आपने एक्सेल को 50-60% यूं ही सीख लिया। बाकी सब कुछ एक्सेल में क्या है, आपका फॉर्मूला है, कुछ फीचर्स है, कुछ फंक्शंस हैं। आपको सारे फंक्शंस समझ रहे हैं, फंक्शंस के क्या क्या रोल होते हैं, हर फंक्शन का अपना अलग अलग रोल होता है, वही आपको सीखना है। लेकिन ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज यहाँ पे हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, मतलब जिसको समझने में अच्छे अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सेल रेफरेंस जितना इंपॉर्टेंट है, हल्का सा वो कॉम्प्लिकेटेड भी आपको दिखेगा। तो अभी क्या है कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सेल रेफरेंस समझाऊंगा। टॉपिक लेंदी है, टॉपिक बड़ा है, ये तो एक वीडियो में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, और इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा भी नहीं मैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सेल रेफरेंस के यहाँ पे आपको 4-5 पार्ट लेके आएंगे आपके लिए। सेल रेफरेंस क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या यूज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके कितने टाइप होते हैं, और उन सभी टाइप के सेल रेफरेंस का अपना अलग अलग मेथड है, अपना अलग अलग रोल है। तो ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगा, ज़्यादा हम टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, चलते सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम इस टॉपिक के बारे में एकदम गहराई में जाके समझते हैं कि भाई ये क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेल रेफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं टाइप्स बताऊँगा कि कितने टाइप्स होते हैं, और एक टाइप उसमें से मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में कवर करूँगा। बाकी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें जो है मैं बाकी और टाइप्स को मैं कवर करूँगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे एक्सेल खुला हुआ दिख रहा है। हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले ना, पहले उसको हम अलग अलग समझते हैं। मैंने कहा कि हम पढ़ने वाले हैं सेल रेफरेंस, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है सेल और एक तो है रेफरेंस। तो पहले एक बार सेल को समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है। आपको इस शीट पे जो भी अभी दिख रहा है, जैसे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे कॉलम्स हैं, राइट। ये हमारे यहाँ पे रोज हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होता है ना, उसको हम रोज बोलते हैं। बहुत से लोग तो रोज और कॉलम में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम रोज रो बोलेंगे। जैसे ये आपका फोर्थ रो है, ये आपका फिफ्थ रो है, ये आपका सिक्स रो है, ये आपका सेवन्थ रो है, ऐसे ही नीचे 1,48,576 आपके यहाँ पे एक्सेल में रो होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे आपके कॉलम्स भी हैं, ए से शुरू है और अगर आप आखिरी में आ जाएंगे तो ये एक्स एफ डी पे आके ख़त्म है। 16,384 आपको यहाँ पे कॉलम देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करें, मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये कॉलम है एफ, कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया और ऐसे मैंने जो है 10th रो पे क्लिक कर दिया, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा सेल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉलम और रोज के कॉम्बिनेशन से जो एक एरिया बनता है, हम उसको सेल बोलते हैं। तो अभी क्या है कि आपको जो सामने दिख रहा है, जो शीट आपको दिख रही है, इस पे केवल और केवल सेल ही हैं, और सभी सेल में एक कॉलम और एक रो जुड़ा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आप सेल यहाँ देख पा रहे हैं वो सेल एक कॉलम और एक रो से मिलकर बना है। मैंने आपको क्या बताया कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। यहाँ पे जी कॉलम है और यहाँ पे 7 रो है। तो जो यहाँ पे जो बीच में जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही आपका सेल है। तो अब क्या है कि आप यहाँ पे सेल समझ गए होंगे, सेल किसे बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने को हम रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस कहाँ यूज़ होगा, यहाँ पे क्या मतलब होगा, मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप यहाँ पे दो सेल को आपस में जोड़ रहे हो। अब वो दो सेल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा सेल हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा सेल हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या, किस टाइप की एक्टिविटी एक्सेल में आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्सेल में आप कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि मैंने जस्ट अभी सेल की बात करी ना, तो सेल का पता यहाँ पे नाम है।
हर सेल का अपना एक यूनिक नाम है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कॉलम्स है ए बी सी डी, कॉलम्स को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ए बी सी डी से डिनोट किया है, मतलब ए से शुरू हो गया, ए से शुरू होगा मतलब, और आखिरी में जाके एक्स एफ डी पे ये खत्म होगा। और अगर हम रो की बात करें तो रो को नंबर से डिनोट किया गया है, एक से शुरू होगा और 1048576 पे आके खत्म होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जब मैंने आपको सेल की बात बताई तो सेल क्या है, दोनों से मिलकर बना है। तो एक सेल में ना एक कॉलम और एक रो, उन दोनों का नाम जब ज्वाइंट कर देंगे तो वही आपका सेल का नाम बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ कि भाई ये कौन सा कॉलम है, आप कहोगे भाई ये ई कॉलम है, ठीक है ई कॉलम है। अब मैं आपसे बोलूँ भाई कि ये कौन सा रो है, आप बोलोगे भाई ये टेंथ रो है। तो यहाँ पे ई की बात हो गई और यहाँ पे टेन की बात हो गई। तो अब जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख पा रहे हो, जो जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं कॉलम और रो, इसी का नाम क्या हो जाएगा, ई टेन। तो आपको यहाँ पे समझना है कि भाई जो हर सेल है, हर सेल का यूनिक नाम है, डुप्लीकेट इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, ई टेन। और अगर आप यहाँ पे नेम बॉक्स पे नजर मारोगे, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको होता है फॉर्मूला बार, और इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आपके सेल का, आप जिस सेल पे अभी एक्टिव रहोगे उस सेल का यहाँ पे नाम दिखाई देगा। सेल पे एक्टिव रहने का मतलब क्या है कि अभी हमारा जो ये कर्सर है वो इस सेल पे है, तो बता रहा है कि भाई आप ई टेन सेल पे अभी स्टैंड कर रहे हो, आप ई टेन सेल पे हो, राइट। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई हर सेल का एक नाम है, तो अब यहाँ समझते हैं जल्दी से रेफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेफरेंस मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट करना, आपस में जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। तो इस बात को ज़रा समझो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई लिखा, मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो अभी एक वैल्यू है ना, मतलब इस सेल की वैल्यू डिफाइन हो गई, मतलब जो ये सेल है इसका नाम क्या है, यहाँ इसका नाम D7 है। D7 में जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो इसकी क्या वैल्यू हो गई, तो D7 बराबर 100। मतलब एक्सेल को मालूम चल गया कि भाई D7 जो सेल है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें 100 लिखा गया है, वो एक वैल्यू है। अगर मैं किसी सेल में यहाँ पर लिख दूँ ABCD, राइट, ABCD मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अभी क्या है कि अब एक्सेल को अब ये मालूम चल गया भाई कि F7, आप यहाँ पे सेल का नाम देख पा रहे हैं, मैं F7 में हूँ, F7 में क्या लिखा गया है, ABCD, जो कि एक टेक्स्ट वैल्यू है, ABCD लिखा गया। तो ये तो हम वैल्यूज लिख रहे हैं, ये तो हम वैल्यूज यहाँ लिख रहे हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे रेफरेंस की बात करें तो वो कैसे लिखेंगे, तो रेफरेंस को यहाँ पे ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंसर्ट एन इक्वल साइन। इक्वल साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी कोई फॉर्मूला यूज करना है, आपको जब भी कोई फंक्शन यूज करना है, बनाना है फॉर्मूला, या कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी है छोटी से लेकर बड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंसर्ट एन इक्वल साइन इनटू अ सेल। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, इक्वल टू कर दिया। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया ना, यहाँ पे तरीका वही है। देखो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू भी अगर आप यहाँ पे 100 करोगे तब भी ये बराबर है, देखो फिर भी 100 आ रहे हैं। मतलब इक्वल टू 100 का मतलब क्या हो गया, हाँ भाई कि जो D9 सेल है वो बराबर किसके, 100 के, बिकॉज आपने 100 वैल्यू उस सेल में रख दी है, लिख दी है, राइट। तो अभी क्या है कि अब यहाँ पे वैल्यू ना देके मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, मैं यहाँ पे रेफरेंस का यूज करूंगा। कैसे, मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया और मैंने कोई भी रेफरेंस, सपोज करो मुझे इस सेल को कनेक्ट करना है A1 से करना है, A1 जो है आपके शीट की सबसे पहली सेल होती है, क्लिक कर दिया ऐसे। तो अभी आप देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ गया, इक्वल टू A1। अब आप जरा ये समझो कि आपने ये काम किया किस सेल में है, आपने काम किया है C11th, यानी कि C11 में कॉलम सी है और 11th रो है, तो मतलब क्या हो गया, आपने C11 में ये काम किया है। तो इसका मतलब ये है ना कि आपने C11 को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया जाओ और A1 से जुड़ जाओ। इक्वल टू A1 का मतलब क्या हुआ कि तुम A1 के बराबर हो। अभी मैं आपसे बोलूं कि A=B, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि मतलब कि जो A है वो B के बराबर है। तो यहाँ भी यही है, यहाँ पे बस A को रिप्लेस कर दो C11 से और B को रिप्लेस कर दो A1 से, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपका C11 बराबर हो गया A1 के। इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या अभी A1 में कोई वैल्यू है, क्या अभी A1 में कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। एंटर करो, देखो जीरो आएगा, बिकॉज A1 में कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो लेके आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे A1 में कोई वैल्यू लिखी, यहाँ पे एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे C11 कनेक्ट है A1 से, ना कि A1 कनेक्ट है C11 से,
दोनों बातों में फर्क है, क्योंकि आपने C11 को इंस्ट्रक्शन दिया ना, आपने फॉर्मूला जो बनाया है इक्वल टू A1, आपने ये C11 में लिखा है ना, तो आपने C11 को इंस्ट्रक्शन दिया है इक्वल टू A1 किया, तो आपने A1 से वो जाके रेफर हो गया, इसी को तो बोला रेफरेंस, कि वो रेफर कर रहा है किसको, A1 को, राइट। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस का मतलब यही है कि एक सेल को मल्टीपल सेल से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। कैसे क्यों करो कनेक्ट, कोई फॉर्मूला बना रहे हो, कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, अपने फॉर्मूले को अपने एक्सेल में कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको पूरी तरीके से ऑटोमेट करना चाहते हो, ऑटोमेटिक काम करे, कुछ लिखना ना पड़े, बिकॉज वैल्यू नेवर चेंज बट रेफरेंस कैन बी चेंज, क्योंकि रेफरेंस क्या है, वो डिपेंड है किसी सेल पे, रेफरेंस किसी सेल पे डिपेंड है। जैसे यहाँ पे जो C11 है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, A1 पे डिपेंड कर रहा है, कि A1 में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको C11 में दिखाई देगी। तो रेफरेंस का मतलब ये होगा, अगर मैंने A1 में लिखा 100, तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं, मैं केवल चेंज कर रहा हूँ एक जगह, हो रहा है दूसरी जगह, बिकॉज C11 रिफर्स टू A1, C11 वाले सेल को मैंने A1 से जोड़ के रखा हुआ है, मैंने कनेक्ट किया हुआ है यूजिंग सेल रेफरेंस, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पे सेल रेफरेंस का मतलब यही है कि हम एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे 5 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, नॉर्मल सा जो मैंने आपको भी बताया वही रिलेटिव है, अभी से एग्जांपल दूंगा मैं आपको। दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तीसरा है मिक्स्ड, चौथा है सर्कुलर सेल रेफरेंस, और पांचवा है 3D सेल रेफरेंस। बहुत डीप में जाके ना, एकदम गहराई से जाके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, नहीं नेक्स्ट अपनी वीडियोस में मैं लेके आऊँगा। इस पर मैं आपको 4 से 5 वीडियोस दूंगा जो सीरियसली एक क्वालिटी वीडियो होगी। अगर आपको एक्सेल सीखना है, अगर आपको एक्सेल आप चाहते हो भाई एक्सेल में करो, बिकॉज एक्सेल ना यार बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज एक्सेल में ऐसे ऐसे फॉर्मूला ऐसे ऐसे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे ना जो सीरियसली आउटस्टैंडिंग। तो अभी क्या है ना कि रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, 5 प्रकार के आपको सेल रेफरेंस देखने मिलते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस की, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास एक यहाँ लिखा हुआ 10, 20, 30, 40, 50, राइट। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ पर एक वैल्यू है 100, 200, 500, 600, 300 ऐसे कर दिए। अभी ध्यान दो, मैंने कहा भैया मुझको ये दोनों को यहाँ पे इंटू करना है, मैंने कहा मुझे इन दोनों को इंटू करना है, तो कर दो इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले ले लिया मैंने E3 आ गया, इंटू का आपको सिंबल लगाना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल टू, ये सारे आपके एक्सेल के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इस पर भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट। अभी आपने यहाँ पे इंटू किया, यहाँ आपने ले लिया F3, अभी क्या कह रहा है E3 × F3, मतलब कि जो वैल्यू E3 में रहेगी उसको इंटू करूंगा जो वैल्यू F3 में रहेगी, राइट। एंटर किया, देखो 1000 आ गया, बिकॉज आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो 1000 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज किया, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, तो 2000 आ गया, राइट। तो अब यहाँ वैल्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो रही ना, तो सेल रेफरेंस का यही फायदा है। अगर आप यहाँ लिख दोगे भाई हाँ दो, अगर आप ऐसे लिखोगे 20 × 100 कितना होगा, 2000 होगा, मैंने ऐसे 2000 रुपये ऐसे लिख दिया, तो क्या ये कभी चेंज होगा, ये वैल्यू है बट ये रेफरेंस है। मैंने क्या बताया था, वैल्यू नेवर चेंज बट रेफरेंस कैन बी चेंज। तो अभी अगर मैं यहां पे 30 लिख दूं, तो क्या ये चेंज हुआ, क्या ये तो चेंज नहीं हुआ ना, बट ये चेंज हुआ, बिकॉज ये रेफरेंस है, रेफरेंस कैन बी चेंज, वैल्यू नेवर चेंज जब तक आप उसे खुद चेंज ना करो। अभी यहां समझो यहां पे रिलेटिव का मतलब क्या है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास अभी तो आपको सामने केवल 5 डेटा है भाई, 30, 20, 30, 40, 50, केवल 5 डेटा है आपके पास। अगर बहुत लंबा डेटा होगा तब क्या आप एक एक्सेल में ऐसे निकालोगे कि 20 × 200 अब यहाँ लिख दो, फिर यहाँ कर दो ऐसे, फिर इंटू कर दो, फिर यहाँ पे इंटू कर दो, ये तो नहीं करेंगे ना, तो बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अभी क्या करना है कि हमको इसको करना है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है कि आपने जो फॉर्मूला इस सेल में लगाया है, या आपकी जो वैल्यू इस सेल में है, उस वैल्यू को या उस फॉर्मूले को या उस फंक्शन को जहां तक आप चाहो वहां तक आप उसको ड्रैग करो, जहां तक आप उसको चाहो वहां तक आप उसको ड्रैग करो। ऐसे क्या करेंगे, यहां पे दो जो आपको हल्का सा यहां पे ऐसे स्क्वायर शेप का दिख रहा है ना, इस पे से जब कर्सर लेके आओगे तो प्लस का सिंबल बन जाएगा। अभी देखो सिंबल ऐसा है, हल्का सा थिक टाइप का है, जब यहां पे लेके आओगे तो आपका कर्सर ऐसे बन जाएगा, कोने में कॉर्नर पे आपको लेके आना है,
क्लिक किया, नीचे तक मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और नीचे आ जाओ और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लो आ गया, एंटर कर दिया। देखो देखो अभी क्या है, आप यहाँ पे F2 करो, देखो ये किसको किया मल्टीप्लाई, इसको किया। नीचे आ जाओ, आप F2 किया, देखो किसको किया मल्टीप्लाई, 20 200। नीचे आ जाओ फिर से, F2 करो, देखो अभी किसे किया, रेफरेंस क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। आप राइट, आप डाउन साइड ड्रैग करोगे तब भी मूव होगा, राइट साइड ड्रैग करोगे तब भी मूव होगा, रेफरेंस आपका मूव कर रहा है। दैट इज योर रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर मैंने इसी फॉर्मूले को, मान लो मैंने इसको, मैंने ऐसे एक बार ऐसे किया, ठीक, या तो आप माउस से कर लो, ठीक है, ऐसे किया, ड्रैग कर दिया, अभी देखो जीरो आ रहा है ना। F2 एक बार, अब F2 करो, F2 देखो किया, ये देखो पहले 30 × 500 था, अब 500 × ये वाला सेल हो गया। मतलब कि जब मैंने इस साइड मूव किया तो सेल आपका इस साइड मूव हुआ, जो सेल आपके उस फॉर्मूले में यूज था वही रेफरेंस इस तरफ मूव हुआ। नीचे ड्रैग किया, वही रेफरेंस नीचे मूव हुआ। तो दिस इज योर रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस मतलब आप ड्रैग करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की बता दूँ ड्रैग करने की, तो अगर आपको डाउन साइड ड्रैग करना है तो आपको कंट्रोल डी दबाना है। जैसे अगर मैं इसको फिर से ऐसे डिलीट कर दूँ और अब मुझको डाउन साइड ड्रैग करना है, तो ऐसे पहले कर लो सेलेक्ट जहाँ तक ड्रैग करना है और बस कंट्रोल डी दबा दो। देखो कंट्रोल डी दबा दिया, ऑटोमेटिक उसने ड्रैग कर दिया, आपका पूरा फॉर्मूला कॉपी कर दिया नीचे। राइट साइड ड्रैग करना है, कंट्रोल आर, आर फॉर राइट, डी फॉर डाउन, आर फॉर राइट, कंट्रोल आर, ड्रैग हो गया। आप यहां पे F2 करोगे ना तो आपको देखो रेफरेंस मूव होता दिख रहा है। आप जितनी दूर तक ड्रैग करोगे आपका रेफरेंस उतना आपको फॉलो करता जाएगा, उतना आपको फॉलो करेगा। डाउन साइड करोगे डाउन साइड फॉलो करेगा, राइट साइड करोगे राइट साइड फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। दिस इज योर रिलेटिव सेल रेफरेंस। कैसा लगा बताओ, मजा आया कि नहीं आया? अभी ये शुरुआत है, अभी कुछ भी मैंने आपको बताया नहीं है, अभी बस एकदम सिंपल से बताया। जब आप एब्सोल्यूट पढ़ोगे ना, जब आप 3D पढ़ोगे ना, कसम से आप चकरा जाओगे, सीरियसली आप चकरा जाओगे, सीरियसली बहुत गजब का है। मैं आपको सब कुछ एकदम डीपली घुस के बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ऐसे नॉलेजेबल वीडियो ना मिलती है YouTube, बहुत मिलती है ऐसी वीडियोस। लेकिन अगर मैं आपको कुछ अलग दे पा रहा हूँ और अगर आप मुझसे इंस्पायर हो पा रहे हो कि हाँ मैं कुछ अलग दे पा रहा हूँ, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो लाइक करके ना एक थम्स अप जरूर देना, मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे कंटेंट के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है दोस्त, ऐसे कंटेंट के लिए ना सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।